मंगलहट पुलिस स्टेशन हुदूद में आज पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जॉइंट सीपी व वेस्ट जोन डीसीपी एआर श्रीनिवास की क्यादत में अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन में पुलिस अमले ने घर घर जाकर तलाशी ली और ममनू अशिया के कारोबार में मुलविस अफराद की काउंसलिंग की। दस्तावेजात सही ना होने पर टू व्हीलर्स को अपनी तहवील में ले लिया। बादजां जॉइंट सीपी एआर श्रीनिवास ने इस ऑपरेशन की तफसील मीडिया को बताई। स्टेशन धूलपेट में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज हम लोग कंडक्ट करें, इसमें मेरे साथ हमारे एडिशनल डीसीपी सिद्दीकी, एसीपी नरेंद्र रेड्डी, एसएचओ रणवीर रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर, उनका पूरा पुलिस स्टेशन स्टाफ, इसके अलावा जोनल स्टाफ भी, काफ़ी इंस्पेक्टर्स एसआई के साथ ही हम लोग ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज करें। इसमें 500 के ऊपर घर हम लोग अपर धूलपेट, लोअर धूलपेट, शिवराम गली, शिवलाल नगर, बलराम गली, इन एरियाज़ में हाउस टू हाउस सर्च करें। कई घर में जो जितने भी रिसेंटली अरेस्ट हुए उनके फैमिली मेम्बर्स को पूरे आज काउंसलिंग भी दिया गया है कि इस तरह के धंधे में नहीं रहना, अगर से है तो आगे आगे जाके उनको भी, फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों को भी आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तक तो फिलहाल वो लोग सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस तरह के धंधे में आगे आगे जाके नहीं रहेंगे वो लोग। उसके अलावा लोकल यूथ से भी इंटरेक्ट करें, वो सब लोग खुश है, इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं रोज़। यहाँ से जितना गंदा नाम है यहाँ धूलपेट को, और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करे ऐसा कहीं इस तरह का सेल हो रहा, प्रोक्योरमेंट हो रहा, बाहर से कोई आके कर रहा काम। तो लोकल एरिया के यूथ भी इन्वॉल्व होके हमारे साथ ये लोग ये आज कार्य, ये प्रोग्राम में करे, वो अच्छा सक्सेस हुआ। आगे आगे जाके इस तरह का काम और भी हम लोग करेंगे। इधर नाइट और डे टाइम में भी हम लोग पिकेट और पुलिस टीम्स को यहाँ पे डिप्लॉय करें, वो लोग भी यहाँ पे निगरानी रखेंगे। 24/7 हमारा निगरानी रहेगा पुलिस का ये एरिया में। अगर से बाहर से आके कोई आदमी इधर खरीदने के लिए आया, बेचने के लिए आया, यहाँ का आदमी बाहर जाके खरीद के अंदर लेके आ रहा, तो डेफिनेटली अरेस्ट होगा और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा।